और इधर बैठे हैं बच्चे यूपी से, तमिलनाडु से, और इधर राजस्थान से, कुछ भी। तो इनका रिएक्शन देखो अभी बाटी के ऊपर देखो, कैसे लगी आपको? तारीफ कर रहे हैं ना कि मैं ये एंट्री स्टेज, इसमें ना बाटी खाने बहुत प्यार कर गया और ये शिल्पा महाराष्ट्र से, इसकी तो मैं वो बर्थडे वाली वीडियो बनाई है वो डालूंगी एक। और दिल्ली से और कैसी लगी बाटी? बहुत अच्छी है। और तनिष्क बिहार से, टाइटल तो तुम्हारा ही देना है कि बिहार वाला बच्चों को खिला दी हमने बाटी। और अभी ना आपको दिखाते हैं कि अंदर बाटी बना कहाँ पे रहे हैं। बाटी सीख रही है, ये देखो बाटी सेक रही है दीदी। देखो अभी है ना, मतलब इनको निकाल के तांबे में और फिर इसके अंदर घी वगैरह डाल के और बाहर बच्चों को रख देते हैं ना। इसका ये होता है ना कि सीख गई, सीखने का कैसे पता चलता है पता है? ये बाहर से फूट जाती है ऐसे, बहुत गर्म है तो ये मतलब सीख गई है, ठीक है? नहीं, अगर जब तक ये ऐसे फूटती नहीं है ना बीच में से, तब तक वो बाटी कच्ची रहती है और हल्की हो जाती है बिल्कुल, तो ये पकने की बाटी की निशानी है। तो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, ठीक है? और उसमें आप घी फुल भर लेते हैं है ना, तभी बाटी अच्छी बनती है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे भर रही हूँ। जो घी है और घी के अंदर बाटी डाल ली है ना, तो एक माँ मतलब पूरी वर्जी सी। अब हाड़ौती साइड है तो हाड़ौती की वहाँ बाटी बहुत, दाल बाटी बहुत ज़्यादा बने हैं, तो यहाँ कर करके सारी में आप ये जब बहुत सारी रख रखी है आम असम भर ले से है ना घी नया। जो बाटिया में ना घी में अभी ज़्यादा ही लग जाती टेस्टी बने, नहीं तो बाटी यहीं रह जाए। पर आपने बस हम खाया कराना, बस एक टीम के गंडूल जैसा बना रखे तो वह बन जाए फिर है ना। और बठिन मैस में थान दिखाई दी के साबू बना रहे के साबू बच्चा खा रहे और कसीक बन लाग रही है। जो घी है और घी के अंदर बाटी डाल ली है ना, तो एक माँ मतलब पूरी वर्जी सी। अब हाड़ौती साइड है तो हाड़ौती की वहाँ बाटी बहुत, दाल बाटी बहुत ज़्यादा बने हैं, तो यहाँ कर करके सारी में आप ये जब बहुत सारी रख रखी है आम असम भर ले से है ना घी नया। कार्तिक मत जलाइयो।